जोधा मिस्टर हैड फोर सन्स, पंजाब राय, द्रोब राय, मेहताब राय एंड नौनिद राय, एंड वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ नौनिद राय. लेकिन वो महल जो था इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग हाई, पांच पांच छह छह किलोमीटर से दूर से दिखाई देता था वो. थोड़े दिनों के बाद वहां पंजाब में शांति हो गई थी, बट इट वॉज टेम्पररी. एक जत्था आया था शेखुपुरा से, जो वहां ज्वाइन किया हमको, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी, रस्ते में बहुत सारे लोग मरे थे उनके. नौ दिन तक हम लोग दरिया के किनारे बैठे रहे. नाइन डेज नाइन नाइट्स. ओके. खाने पीने का दरिया का गंदा पानी पीते थे. सनातन धर्म हाई स्कूल के जो हेडमास्टर थे जी, उनका नाम था पंडित नरसिंह दास, और गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे गुरुदत्त सोंधी. ओके सर, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको नमस्कार. आपको भी बहुत नमस्कार. आपका जो संबंध रहा है अखंड भारत के जिस हिस्से से, जो कि जिसे अब पाकिस्तान का हिस्सा कहा जाता है, उसका जो एड्रेस था वो बताइए हमें. मेरा जन्म 11 दिसंबर 1927 को 1927 को लाहौर में हुआ था. और हमारा जो एंटर गांव था वो लाहौर से 50 किलोमीटर की दूरी पर था, निद्दो के नाम से. किस नाम से? निद्दो के, NIDOKE. अच्छा, निद्दो के. या ओके ओके. जिला सियालकोट था, तहसील नारोवाल थी. नारोवाल अभी जिला हो गया हुआ है. ओके ओके ओके. तो पार्टीशन के बाद जो है वो जिला हो गया है. या चलिए बढ़िया. तो लाहौर में क्या था और गांव में क्या था? लाहौर में मेरा जन्म हुआ था. मेरी एजुकेशन और ब्रिंगिंग अप जो लाहौर में हुई थी, और समर वेकेशन में जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में हम लोग अपने कंट्री साइड के लिए अपने गांव जाया करते, सिर्फ 2 महीने के लिए. ओके. वहां पर हमारा मतलब जमीन थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, प्लस बहुत पुराना महल था एक. इनफैक्ट निद्दोके की हिस्ट्री जो है दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डेज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. ओके. देयर वाज वन जनरल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह बाय द नेम ऑफ जोधा मिश्र. एंड ही हैड फोर सन्स. जोधा मिश्र हैड फोर सन्स, पंजाब राय, द्रोब राय, मेहताब राय एंड नौनिद राय. ओके. एंड वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ नौनिद राय. तो बड़ा एक मैसे महल वहां बना हुआ था उस जमाने का. जो के जब हम 47 में आए हैं उसका ढांचा खड़ा था, लेकिन रहने लायक नहीं था वो. तो हमारे पिताजी वगैरह ने मिल करके अपना अलग से 1939 में अलग से मकान बना लिया था. लेकिन वो महल जो था इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग हाई, पांच पांच छह छह किलोमीटर से दूर से दिखाई देता था वो. अच्छा, मतलब इतना उसकी दीवारें जो थी इतनी ऊंची थी? बहुत ऊंची थी. इट इज अ मैसिव महल. ओके ओके. आज की डेट में बाय चांस मैंने उसका किसी जरिए से, अच्छा, प्रेजेंट पोजीशन क्या है उसकी, उसका वीडियो मंगाया था. ओके. तो वो खंडर हो चुका हुआ है. लेकिन इफ यू लाइक आई कैन शेयर द वीडियो विद यू. तो आपके परिवार की जो कारोबार था वो खेती था, वहां पे जमींदारा था? गांव में यस. लाहौर में हमारे पिताजी जो थे वो हेडमास्टर थे. आजकल तो प्रिंसिपल कहलाते हैं ना, उन दिनों में हेडमास्टर कहलाया करते थे. हेडमास्टर तो थे. सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाया करते थे हम लोग 2 महीने के लिए. तो आपकी भी वहां पे स्टडी हुई? लाहौर में मैंने मैट्रिक पास किया था सनातन धर्म हाई स्कूल से. उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है वो ज्वाइन किया था. लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था. आई वॉज नॉट वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीज. मैंने जॉब टेकअप कर ली थी 1945 में. तो आपकी एज तो अभी 90 प्लस होगी? अभी 94 है मेरी. ओके ओके. लेकिन आपने पार्टीशन हुआ है तो जस्ट 20. ओके ओके ओके. तो आपको तो पूरा एक ये 20 साल, एक 20 साल का लड़का जो होता है, 20 साल की जो उम्र होती है, उस वक्त जो आदमी होता है आसपास की चीजों से काफी ज्यादा घुला मिला होता है, उनको चीजें पता होती हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है.
बिल्कुल, इंटरेस्ट बिल्कुल भी लेता है। या तो जिस वक्त ये सारी चीजें होनी शुरू हुई, आप वहां पे मैट्रिक में थे, तो स्कूल में भी बातें होती थी कि कुछ ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान बंट रहा है, कुछ ऐसा? नहीं, मैंने मैंने मैट्रिक पास किया था 1942 में। ओके ओके। तो उस वक्त ऐसी कोई मतलब प्रूफ सर नहीं होती थी, कोई निगोशिएशन वगैरह कुछ नहीं चलती थी, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि बंटवारा हो जाएगा क्या हो जाएगा। ये ज्यादा शुरू हुआ है मुस्लिम लीग की जो इनकी मूवमेंट थी ना, ज्यादा जोर पकड़ गई जिन्ना की, तो 46 में इट वॉज ऑन द हाइट, 46 में, बल्कि इन्होंने डायरेक्ट डिक्लेयर किया था जिन्ना ने, तो कलकत्ता में हिंदुओं का बड़ा मैसेकर्ड हुआ था, काफी कत्लेआम हुआ था कलकत्ता में। 47 के 4th मार्च 47 मास्टर तारा सिंह ने जो लाहौर असेंबली की बिल्डिंग है उसकी बाहर की सीढ़ियों पे खड़े होकर के उनका झंडा फाड़ दिया था मुस्लिम लीग का, और वो जो जो साइट थी हमारे ऑफिस से सिर्फ 5-10 मिनट का वॉक थी। ओके। उस भीड़ में था मैं। अच्छा। उसकी आवाज, उसकी मतलब स्पीच भी सुनी थी मास्टर तारा सिंह की। और उसी रात को वहां लाहौर में दंगे शुरू हो गए और कर्फ्यू लग गया नेक्स्ट डे से। उसका रिएक्शन ये हुआ कि रावलपिंडी में जिस साइट के मास्टर तारा सिंह बिलोंग करते थे वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? 1947 इट वाज मार्च 47। ओके, मार्च 47। ओके ओके। या तो वहां से काफी लोग जो उजड़ के आए थे बेचारे हिंदू और सिख फैमिलीज, उनके लिए लाहौर में हमने फिर रिलीफ कैंप लगाए थे। थोड़े दिनों के बाद वहां पंजाब में शांति हो गई थी। इट वॉज टेम्परेरी। पिताजी लाहौर में हेडमास्टर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो हेडमास्टर थे तो उनको चीजों का ज्यादा आइडिया रहता होगा, ज्यादा पता रहता होगा, तो जब वो घर आते थे तो कुछ बातें होती थी कि टीचर्स में ऐसी बातें हो रही हैं या माहौल ऐसा हो रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ चीजें ऐसी जहन में होती हैं? नहीं, ऐसा है, ये सारा जो स्पीड अप हुआ था ना 47 ऑनवर्ड हुआ है, मार्च 47 ऑनवर्ड्स, उससे पहले तो थोड़े बहुत दंगे तो हमेशा हर साल ही होते हैं, यहाँ भी होते हैं, वहां भी होते थे, होली पे, ईद पे, दिवाली पे, लाइक दैट, लेकिन नॉट एट दैट स्केल। तो जो आपका गांव था पुश्तैनी, जो गांव था निद्दो के, उसके आसपास के कुछ गांवों के नाम कुछ ध्यान है आपको, कौन कौन से गांव थे? बहुत ध्यान है जी, सारे सारे ध्यान है जी जी, बताइए। तलवंडी भिंडरा, बुड्ढा टोला, गोता फतेहगढ़, लोबन, लैलियां, विंजल, ये खास बुड्ढा टोला और जो आपका वो है ना भिंडरा, तलवंडी भिंडरा, जी जी जी, तलवंडी भिंडरा और जो बुड्ढा टोला है, ये तो काफी अच्छे अब कस्बे बन गए हुए हैं, टाउन बन गए हुए हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। जो जमीन जायदाद थी वहां पे जिस पे खेती होती थी जी, वो रकबा कितना था? वो काफी रकबा था, और उस वक्त जब निजल अपना जोधा मिश्र थे ना जो, उनको काफी ह्यूज लैंड रणजीत सिंह के टाइम पे मिली थी, ऑल देयर प्रॉपर्टी। ओके ओके, ठीक है। उसमें सिर्फ जो काश्तकारी करते, एग्रीकल्चर जो करते थे वो सिख ज्यादा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उस दौर में बढ़ते हैं जब चीजें ज्यादा ही, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी ने कहा कि आवाम वही रहेगी, सरकार बदल जाएगी, तो ये जो सोच थी वो हर आदमी के मन में थी। मैं कम से कम 50 लोगों से मिल चुका हूं अब तक, तो कहीं ना कहीं जहन में यही था कि अगर थोड़ा बहुत शोरगुल होगा और वापिस हम अपनी जमीन पे, अपने जगह पे वापिस आ जाएंगे, अगर होगा भी तो इसलिए भी था, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे कोई सोच नहीं रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था ना दुनिया में, दुनिया में कभी नहीं ऐसा हुआ था, दुनिया में ऐसा नहीं हुआ था।
तो अब हम उस पे आते हैं कि जब पिताजी ने कहा कि सरकारें बदलती हैं, आवाम नहीं बदलता है, तो उस वक्त क्या माहौल था घर पे, की कुछ बातें हो रही थी ऐसी? हमारे इलाके में शांति थी। सिर्फ अगस्त के सेकंड वीक में जब ये हो गया है तो मैं वापस आ रहा था लाहौर के लिए अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, जहां मैं काम कर, रूबी इंश्योरेंस कंपनी थी, बिरला कंसर्न थी वो। अच्छा, तो ज्वाइन करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में फिर किसी ने मुझे बोला कि आप मत जाओ क्योंकि गाड़ियों में कत्लेआम शुरू हो चुका हुआ है और गाड़ियां ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। मैं फिर रस्ते से वापस आ गया था। तो हम लोग वहां 18 सितंबर 1947 तक रहे हैं। ओके, 18 सितंबर तक आप रहे हैं। ओके, तो इसी बीच में ना एक सवाल जो मुझे पहले पूछना था वो अब मैं पूछ रहा हूँ। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उनके टीचर्स के कुछ नाम आपको ध्यान है, कुछ अध्यापक टीचर्स याद है? जी, सनातन धर्म हाई स्कूल के जो हेडमास्टर थे जी, उनका नाम था पंडित नरसिंह दास। और गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे गुरुदत्त सोंधी। ओके, ठीक है। तो उसके बाद आपने वहां पे जॉब ज्वाइन किए? मैं उसके बाद रूबी इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करी थी। बल्कि उसकी था वो जो लाहौर में मेंशन एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था, आधा वो कमर्शियल था आधा रेजिडेंशियल था। तो जो रेजिडेंशियल था उसमें जो सआदत हसन मंटू हैं, उर्दू राइटर थे ना एक, जी बिल्कुल, और एक हमारे जो पहले मंत्री हुआ करते थे मणिशंकर अय्यर, ठीक है, वो भी उनका परिवार भी वही रहता था उसी बिल्डिंग उसी कॉम्प्लेक्स में। ओके, तो उस वक्त आप सिटी में ही थे, लाहौर में ही थे जब ये सब कुछ हुआ? नहीं, लाहौर में था मैं अगस्त के शुरू तक। लाहौर, ओके, बल्कि शाहआलमी गेट का जो इलाका है अंदर का वो सारा हिंदू डोमिनेटेड था। तो वहां पर एक मुसलमान मजिस्ट्रेट थे चीमा लाहौर में, ओके, उनकी प्रेजेंस में उसने खुद खड़े होकर के पूरा इलाका जलवा दिया था, आग लगवा दी थी उसमें। और हम लोग अपने ऑफिस के जो रूफ टॉप बिल्डिंग थी रात को देख रहे थे, वहां से फ्लेम जो उठ रही थी शाहआलमी गेट की। अच्छा, आपको नजर आ रहा था वो सामने? बिल्कुल नजर आ रहा था। वो जो इलाका था वो हिंदू और सिखों का था? क्वाइट राइट। ओके, तो मतलब जो भी चीजें हो रही थी आप उन चीजों के में ही थे, उन चीजों वो चीजें आपके आसपास ही हो रही थी बेसिकली? जी। तो फिर जब लोग जा रहे थे तो आपके परिवार ने कोशिश की उस वक्त आने की? नहीं, जो उस परिवार मैंने बताया ना, तो वहां समर वेकेशन में वहां चले जाते हैं ना गांव में, तो वो लोग वहां थे। मैं तो वहां गया था अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए। ओके, ठीक है, तो वहां फंस गए। ठीक है, फिर वहां से निकलने की क्या कैसी कहानी रही? हाँ, वहां से निकलने का 18 सितंबर 1947 बिल्कुल शांति थी तब तक। उस दिन 18 सितंबर को जो वहां जो हमारा पुलिस स्टेशन था वहां पर जो दरोगा था, वहां का थानेदार था वो हिंदू था, बाकी सारा जो स्टाफ था सारा मुसलमान था। ओके, तो उसने थानेदार ने इंडिकेशन दी कि अब आप लोग यहां से खाली करके निकल जाएं तो अच्छा है, नहीं तो आज रात को या कल तक का आपके ऊपर, दूर दूर के गांव हैं वहां के लोग जहां पर मुसलमान ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं वो आके गड़बड़ कर सकते हैं। जी, 18 सितंबर 1947 को 18 सितंबर अबाउट 7 o'clock इन द इवनिंग हम लोग अपने आंगन में बैठे हुए हैं घर में आराम से, तभी तक सारे लोग इकट्ठे होके आ गए, चलो ही चलो निकलना है, निकल पड़े। तो जो महल का दीवान खाना था वो हमारे घर से थोड़ी दूरी था, 100 meters की दूरी पर। तो वहां पर एक कमरा हमने अपने जो केयर टेकर था चौकीदार मेहरदीन उसको दिया हुआ था। तो पिताजी ने उसको आवाज दी, मेहरदीन आओ भाई, ये चाबियां हैं घर की, छत के ऊपर चारपाइयां पड़ी हैं उनको साए में कर देना क्योंकि बरसात का मौसम है, खराब ना हो जाए, और घर का ध्यान रखना।
साफ सफाई करते रहना, जैसे ये हल्ला गुल्ला खत्म होगा वापस आ जाएंगे हम जी। उसने चाबियां ली, सलाम किया, बात खत्म हो गई। तो पूरा जत्था जो हमारा हिंदू और सिख जितनी फैमिलीज थी वहां की सारी, वो वहां से निकल पड़ी। तो पूरी रात चलते रहे, बरसात का मौसम था, पानी था सड़कों में, तो पैदल ही गांव पड़े, सॉरी पैदल ही निकल पड़े, पैदल ही, और कौन सा वहां को ट्रांसपोर्ट की सुविधा थोड़ी थी। ओके ओके ओके, पैदल ही निकल पड़े, और रास्ते में जितने गांव आते थे उसके जो हिंदू सिख फैमिली थी वो हमारे साथ हो जाती थी। तो पूरी रात चलते रहे, तो तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है रावी के किनारे, रिवर रावी है उसका नाम है, भूल गया मैं। तो वहां तक पहुंचे हम रात को, और उसका नाम है सॉरी विदाई चीमा का नाम है। तो रात को वहां क्याम किया, सुबह दरिया के किनारे जाके बैठ गए। ये 19 सितंबर 1947 की सुबह की बात है ये जी। तो वहां पर काफी सारा हजूम, पूरा भीड़ इकट्ठी हो गई, चारों तरफ गांव जैसे सारे इकट्ठे हो गए हिंदू सिख जो थे। अब उसको दरिया को पार करने का जरिया कोई नहीं था। 9 दिन तक हम लोग दरिया के किनारे बैठे रहे। 9 days 9 nights ओके। खुली आसमान, दिन में बारिश होती थी, चमकती धूप थी, और ये भी होता था कि आकर के कोई हमला ना करे मुसलमान, तो काफी मतलब टेंशन रही उन दिनों में। तो इतने दिन खाने पीने का कैसे करते थे? खाने पीने का दरिया का गंदा पानी पीते थे, और गांव से जो अड़ोस पड़ोस के गांव थे वहां से जो जवान जवान लड़के थे हम जैसे, वहां से गेहूं लेके आते थे, कच्चा गेहूं अनाज, और उनको अर्थ पॉट जो होते ना तोड़ तोड़ के उनके पॉट्स बना के गर्म करके, वो हिंदी पंजाबी कहे कुंगड़ियां बन जाती थी वो, कुंगड़ियां, ठीक है ठीक है। हाँ, तो 4 दिन जब हो गए तो बाई चांस उस वक्त ताकत भी थी बॉडी में और कुछ ज्यादा डर भी नहीं लगा करता था। मैं दरिया पार करके स्विम करके चला गया दरिया पार। तो दरिया के दूसरी साइड में जो इंडियन टेरिटरी थी उसमें गांव है गग्गो महल एक। ओके। तो वहां पर जो सरदार जी काफी लोग थे उन्होंने काफी वेलकम किया। एक फैमिली ले गई घर पे, उन्होंने खाना खिलाया। काफी दिनों के बाद खाना खाया था। आप अकेले ही पार किया या आपके साथ और भी कुछ लोग थे? एक लड़का था हमारे गांव का, कुंदन। ओके। तो हम 2 लड़कों ने पार किया था। तो जब शाम हो गई तो मैंने बोला भी अब चलते हैं वापस। तो कुंदन कहने लगा आप जाओ मैं नहीं जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से पार करके आए जान बचा के। तो मैं दोबारा फिर स्विम बैक किया। अच्छा। इधर ये कहने लगे अब क्यों गए हो वापस भाई, अब मुश्किल से गए थे वहां। एनीवे जब ऐसे 9 दिन हो गए तो रात को एक दिन फिर जाकर के पड़ोस में एक गांव था, वहां के मल्लाह थे जो किश्तियां नाव चलाते थे बड़ी बड़ी। ओके। तो वहां से 4 किश्तियां लेके आए हम लोग एक तरह से छीन के उनसे। और उसके बाद फेरिंग शुरू हो गई। ओके। बुजुर्ग लोग, औरतें, बच्चे, ऐसे करते करते उसके बाद जवानों का नंबर। तो क्योंकि जवानों का नंबर बाद में आना था, मैं तो फिर दोबारा फिर स्विम किया और पार हो गया, ताकि जो फैमिली है मेरे पेरेंट्स हैं या भाई बहन है वो इधर उधर स्ट्रे ना हो जाए, इधर उधर घूमना हो जाए कहीं। तो 9वें दिन को हमने उसको 27 सितंबर को पास किया उसको। ओके ओके ओके। तो लगभग 9 दिनों बाद आपने उस रिवर को पार कर लिया। पार कर लिया। तो रिवर की उस तरफ हिंदुस्तान था? हाँ, एक साइड में हिंदुस्तान था, एक तरफ जिधर हम लोग थे वो पाकिस्तान था। तो फिर जितने लोग थे आपके साथ सबने पार कर लिया होगा? हाँ, सब आ गए थे। लकीली हमारे इलाके में जो हमारे जो जत्थे में थे ना लोग, हजारों के मतलब
बहुत ही पैथेटिक कंडीशन थी, वही बच्चे रो रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार हैं, डिलीवरियां हो रही हैं ओपन में ही सब, इट वाज वेरी पैथेटिक। एक जत्था आया था शेखुपुरा से, जो वहां ज्वाइन किया हमको, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी, रस्ते में बहुत सारे लोग मरे थे उनके। बिल्कुल, देखिए ये जो चीजें हैं ये तो बहुत लोगों के साथ हुई हैं, और जिनसे भी मिला हूं देखिए कहानी, आराम से तो कोई भी नहीं घर छोड़ता अपना, और घर छोड़ने का मन तो किसी का भी नहीं करता, और फिर जब ऐसी परिस्थितियां हो कि जाना पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, मतलब कि आप सामान तो साथ में क्या उठाओगे, खुद की जान उठा लो वो ही बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद आप लोग इस तरफ आ गए, और फिर जो आप कह रहे हैं कि आपका कॉन्टैक्ट दोबारा हुआ, वो कितने सालों बाद आपने कॉन्टैक्ट किया वापस? वो तो अभी किया है थोड़े दिन पहले। ओके ओके ओके। बाय चांस मेरा एक बेटा जो है वो वहां पर यूरोप में है, तो उसके स्टाफ में एक पाकिस्तान का लड़का है। ओके। तो उसको मैंने बोला था कि वहां जाकर के किसी को भेज के देख के आओ कि हमारा जो बाकी मतलब महल वगैरह है क्या है, हमारा घर पुराना फोटो भेज सकता हो, तो उसने भेजा है वीडियो। ठीक है, वो तो अभी 15-20 दिन की बात है। ठीक ठीक ठीक। तो सर देखिए जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन एक थॉट प्रोसेस होता है हर आदमी का अपने हिसाब से। तो क्योंकि आप नौकरी में भी रहे हैं, आप पढ़े लिखे भी थे, आपके पिताजी भी हेडमास्टर थे वहां पे, तो ये जो कुछ भी हुआ क्या उसे रोका जा सकता था या फिर किसी और तरीके से किया जा सकता था, कुछ ऐसा जो आपके विचार हो इसमें? ऐसा है कि ये जो पार्टीशन का या अलग मुस्लिम कंट्री बनाने का जो था ना बीज, ये तो 1936 में बन गया था। 1936 में एक बंदा था रहमत अली जी, उसने अपनी एक राइटिंग में लिखा था कि मुसलमानों को अलग जगह चाहिए रहने के लिए, और वो जो फिर उसके बाद वो पिकअप कर लिया इसने मोहम्मद अली जिन्ना ने। और रोका जा सकता था, दो बातें थी कि जिन्ना जो है पार्टीशन के एक साल के अंदर अंदर मर गया था, वो उसको टीबी हो गई हुई थी। और माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था ये, अगर मुझे ये पता होता कि इसने एक साल ही जिंदा रहना है तो मैं पार्टीशन नहीं होने देता, ना पाकिस्तान बनता ना इतना खून खराबा होता। ओके, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक सत्ता की चाहत ने इतना बड़ा पार्टीशन करवा दिया। सत्ता की चाहत नहीं कह सकते हम इसको, सत्ता की चाहत तो दोनों तरफ थी। हमारे पंडित जी नेहरू को भी बड़ी सत्ता की चाहत थी, जल्दी जल्दी हो जाए। महात्मा गांधी ने बेचारे ने कहा भी था कि अगर बनेगा पाकिस्तान तो मेरी लाश पे बनेगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा जल्दी थी। और जिन्ना को तो जल्दी होनी थी, वो तो ही गॉट इट व्हाट एवर ही वांटेड, ही हैड नथिंग टू लूज। जी, तो अगर हम आज के हालातों की बात करें तो चीजें बिगड़ी ही हैं, संभली नहीं है। पार्टीशन के बाद से लेकर चाहे हमारा कश्मीर मुद्दा हो या फिर हमारे बॉर्डर्स पे इतने जवान जो हैं वो हर रोज शहीद होते हैं, इधर भी उधर भी जहां भी। और अगर पार्टीशन की बात करें तो वहां सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, मुसलमानों का भी, सिखों का भी, सबका नुकसान हुआ है। खुशी तो शायद ही किसी भी परिवार को नहीं मिली इस पार्टीशन से। आम आवाम की बात कर रहा हूं मैं, आम जनता की बात कर रहा हूं यहां पे। सही बात है। तो अगर हम आज की बात करें तो अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो कुछ लोग चाहते हैं कि बॉर्डर्स जो है नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, लोगों को मिलना जुलना चाहिए। खैर वो करतारपुर कॉरिडोर खोला भी है, लोग जाते भी हैं, पर वो एक सीमित दायरा है। लोग जाते हैं गुरुद्वारे में दर्शन करके वापिस आते हैं। लेकिन अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो क्या ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि बॉर्डर्स जो है वो खत्म ही हो जाए? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कभी आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद? नहीं, ऐसा है कि बॉर्डर दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल बॉर्डर जो जमीन के ऊपर हैं और एक दिलों के बॉर्डर होते हैं। जी, जब तक दिलों के बॉर्डर ठीक नहीं होंगे जमीन के बॉर्डर नहीं काम कर पाएंगे।
तो और अनफॉर्चुनेटली दिलों के बॉर्डर जो है दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन देखिए सर, मैं इस चैनल के माध्यम से मेरे पास काफी कॉल्स आती हैं, पाकिस्तान से आती हैं, और जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वैसे ही जैसे मैंने बहुत लोगों से बात की, उन्होंने अपने नंबर्स दिए हैं, और यूट्यूब भी कमेंट के माध्यम से वहां के लोगों से ताल्लुकात बढ़ता है, उनसे बातें होती हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि वहां से जैसे आपको तस्वीरें मिले हैं वैसे वो भी उनकी तस्वीरें भेजते हैं, या फिर उनकी वीडियो कॉल्स के माध्यम से भी मैंने बुजुर्गों की बातें करवाई हैं। तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि सारे लोग एक से नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी हैं। वो तो है ही है, उसमें दो राय नहीं है कोई। हर एक कम्युनिटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, समाज है ये तो। तो और जहां तक पब्लिक का ताल्लुक है, आम पब्लिक जो है वो इतनी अग्रेसिव नहीं होती। ये जो हमारे लीडर्स हैं या जो हमारी हुकूमतें हैं, इनमें गड़बड़ होती है। तो अभी लोग वहां से जो पाकिस्तान से आते हैं उनको बड़ी इज्जत मिलती है, यहाँ यहाँ से जो लोग जाते हैं वहां पर उनको बड़ी लोग इज्जत से पेश आते हैं। जी 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 जी, मतलब आम आवाम की बात करें तो उनके दिलों में तो शायद वो चीजें नहीं है, लेकिन जो चीजें फिल की जाती हैं, बार बार फिल की जाती हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे हमारा राजनीतिक माध्यम हो, चाहे हमारा मीडिया माध्यम हो, तो वो जो फिल की बार बार उनको रिचार्ज किया जाता है, वो जब तक बंद नहीं होगा तब तक शायद ही ये चीजें खत्म होंगी। वही एक बदकिस्मती है। जी जी जी, चलिए, तो और कोई लास्ट लाइन्स आप कहना चाहते हो, एक जिंदगी के आपने इतने वर्ष देखे हैं, एक बस एक जो खुद के विचार होते हैं इस उस, चाहे वो पार्टीशन को लेकर हो, चाहे एक दुनिया को लेकर हो, लास्ट लाइन्स चाहिए आपकी तरफ से, लास्ट चार लाइन्स चाहिए। ऐसा विचार अपने कुछ नहीं होते, सिर्फ ये होता है कि जो हालात होते हैं उसके हिसाब से बंदा जो है अपने आप को मोल्ड कर लेता है, करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो कामयाबी मिलती है। बिल्कुल, या तो मर जाओ या फिर मार दिए जाओ। बात यह है कि जो ईश्वर ने लिखा हुआ है सब उसके हिसाब से होना है। हर एक बंदे की जब वहां से निकलता है वो पैदा होता है ना, वो उसकी हिस्ट्री भगवान ने पहले लिख के रखी होती है कि जीवन में क्या क्या होना है। जी जी जी, अदरवाइज हमने कभी सोचा था लाहौर छोड़ेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, कई जगह इधर उधर घूमते रहे। जी 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 जी, और अल्टीमेटली फरीदाबाद में आप टिके हुए हैं। जी जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, परमात्मा की असीम कृपा है कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी दोबारा चीजें जोड़ी हमने, दोबारा चीजों को शुरुआत की, एक जीरो से शुरुआत की, और आज परमात्मा ने बहुत अच्छी जिंदगी जो है वो बख्शी है, जिंदगी दी है, हम ये कह सकते हैं अभी। हाँ ठीक बात है। जी जी जी, तो सर कुछ और दो चीजें, एक तो ये है कि नेवर गिव अप। जी जी, संघर्ष, हैव फेथ इन गॉड, संघर्ष करते रहें, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो फिर, और ईश्वर पे भरोसा रखें वो ठीक रखेगा जो रखेगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। मैं बताता हूँ आपको, जब हमने रिवर अरोवी क्रॉस किया है 27 सितंबर को 47 में, तो हमारे पास कोई नहीं था, पता नहीं था हमने क्या करना है। वी हैड नो आइडिया हाउ टू गो नाउ, लेकिन भगवान ने ऐसा जरिया बनाया। हमारे एक रिश्तेदार थे मिस्टर कालिया, ही वाज द मजिस्ट्रेट ऑफ दैट एरिया, ही वाज, उसका हेड ऑफिस जो अपना अमृतसर में था, ही केम टू नो समहाउ, तो उस इलाके के लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं। ओके ओके ओके, उसने उस जो वहां का पॉक्स अपना पुलिस स्टेशन था वहां से वैन भिजवाई और अनाउंस कराया लाउड स्पीकर पे कि इस गांव से जो लोग नितों के से जो लोग इस नाम से आए हैं, हमारे पिताजी का नाम, हमारे ताया जी का नाम वगैरह है, वो थाने पर आ जाए। तो वहां पर हम चले गए थाने में, वहां पर उन्होंने हमारे अपने गाड़ी में लोड किया और रात को जो मिस्टर कालिया अमृतसर में जहाँ रहते थे बाहर उनके डंप कर दिया, रात को कोई 2 बजे के करीब, 27 सितंबर की रात को। सुबह फिर गाड़ी आई उनकी और हमें जंडियाला स्टेट जो है अमृतसर के पास एक जगह है, अच्छा टाउन है मशहूर, जंडियाला गुरु बोलते हैं उसको, तो वहां पर उन्होंने डंप कर दिया।
ऐसे करते करते इन द मीन टाइम अमृतसर में गया मैं पता करने के लिए भी कुछ कहा जाए रहने सहने का बंदोबस्त। तो वहां जो हमारा जो कैशियर था जी रूबी का जहां मैं काम करता था लाहौर में, हमारा ऑफिस आ गया हुआ था, मुझे लिंक नहीं था मेरा उनके साथ कोई, वो मिल गया। उसने जो मेरे एरियर थे जो सैलरी वगैरह बनती थी दे दी उस वक्त। ओके तो विद इन 13 डेज सारी दुनिया बदल गई। तो वही जैसे आपने कहा कि विश्वास रखें तो जो चीजें हैं अपने आप बदलती हैं, संघर्ष करते रहना चाहिए, गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। या ग्रेट ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक और स्टोरी जो है हमें सुनने को देखने को मिली। चलिए ओके सर, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।